हमारे भारत की सारी महिलाओं को करवा चौथ की बधाइयाँ। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को आपको पूजन करना है। पूजन विधि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अब हम आपको इसकी व्रत की कहानी बताते हैं। करवा चौथ व्रत की चार कहानियाँ हैं जिसको मैं एक एक करके आपको सुना रहा हूँ। यह कहानी आप अपने पति से सुने तो और अच्छी बात है, लेकिन ये कहानी आपको सुनना जरूर है। कहानी की शुरुआत करते हैं, उसके पहले हम बता दें कि कहानी खत्म होने के बाद आपको गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। पूजा करने के उपरांत उनकी आरती की जाए। तो अब कहानी पे आते हैं, करवा चौथ की प्रथम कहानी। कहानी कहने वाले लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए थे तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी थी कि अर्जुन ने इतना बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक थे। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताएं कि जिससे करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से ये कहा था कि हे वरा राहे, वही कारक चतुर्थी के नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह कारक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुष से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव हुई वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। उसको महापराक्रमी सात पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या का उत्पन्न हुआ था। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह का समय हो गया था। वह विवाह योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों और पत्नियों मतलब कि भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपयास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष पर चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प अक्षताद से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा चढ़ायन का अलग अलग पूजा करते हुए पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण कर आर्द देने के लिए चंद्रोदय तक की प्रतीक्षा की। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास के पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके साथ भाई बंद गुस्सा करने लगे और फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकड़ी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसे छलावा दिखाया कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से आर्द देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत को दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपना पति को मरा हुआ देखा तो पुनः शिवजी का पूजन करने लगी और एक वर्ष तक निराहार रहकर व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया।
जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे मृत्यु का प्राप्त हुए पति जिंदा हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातुश्री, हमारे भाग से आप यहाँ आई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुबगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने आर्त दे दिया था, इसी से व्रत दूषित हो गया था और तुम्हारा पति मृत को प्राप्त हो गया था। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूतक जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख दूर हो जाता है। यह है करवा चौथ की पहली कहानी। अब हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ के दिन का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही व्रत खोलूंगी और खाना खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसका डंका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद उगाया है। आर्द देले बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो आर्द दे दे, तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगाया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही आर्द दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ और तीसरा ग्रास मुंह में लिया ही था तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले को गांठ लगा कर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम सात भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव भी लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो, तो उसने कहा यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उससे पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते बीतते मगसीर मतलब मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ के बाद माता बोली करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चौथ आके चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ और सावन भादु की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली से कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना,
यह बात कहकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप भी मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखें खोली और बोली, काजल नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोली कि आज मैं बहुत सोया। उसने आदमी ने उठते ही ये बात बोली। वह बोली, क्यों सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासों से खेलते हुए देखा तो उसने सासू से जी से जाकर बोला और बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ उपवास की सनातन महिमा है। अब करवा चौथ की तीसरी कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम के एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी दिन, चौथे दिन, उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री के करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत किया जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सभी की पति को रक्षा करें। अब करवा चौथ की चौथी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं की मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसके प्यार नहीं करता। सभी उसके दूध काटते रहते, 30 त्योहार पर भी उसको कोई भी सम्मान नहीं मिलता, उसके मायके से कोई नहीं आता था। वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उसके भाई करवा लेके आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आया करवा लेकर, और लाता भी कैसे, उनके यहाँ से आने का कोई नहीं था। सासू भी छोटी को करी कोटी कुछ सुनाया करती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया। तब छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात याद रखना,
सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती और नांद के पास जाने की उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई ना था तो नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाक के आने के बाद छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और नाक से क्षमा मांगा। नाग ने उसे क्षमा भी कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे वह अब सभी बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है, तो माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में तुम्हारी पूंछ कट गई थी। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाके छुपा और मौका पाकर उसे काटने को सोचने लगा। माँ के समझाने पर भी वह समझने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ छोटी और उसके सासू में से किसी के बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी, मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला, तभी से बंडा भाई वह छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। इस प्रकार से करवा चौथ की चौथी कहानी समाप्त होती है। उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और कुछ रुपए श्रद्धा अनुसार रख लें। फिर उस थाली को चारों ओर रोली चावल के साथ फेर कर सासू जी के पांव पकड़कर उन्हें दे देवें। इसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर टीका लगाकर उन्हें विदा करें। इस प्रकार से करवा चौथ की कहानी समाप्त होती है। आप सभी माता और गणेश भगवान की आरती करें और अपने पति को दर्शन करके व्रत का पारण करें। धन्यवाद।